नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था मैन्योर। मैन्योर फर्टिलाइजर से बिल्कुल अलग होता है। मैन्योर जो होता है वो फार्म में ही बनाया जाता है, ऑर्गेनिकली बनाया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर को एक फैक्ट्री में ही बनाया जाता है और केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। तो डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर आर द केमिकल दैट आर एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ठीक है, फर्टिलाइजर एक तरह का केमिकल ही होता है। ठीक है, अब जैसे कि जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी है प्लांट को, जैसे कि किसी प्लांट को नाइट्रोजन की कमी है, तो हम लोग वैसा फर्टिलाइजर डालेंगे कि उससे नाइट्रोजन की उसको पूर्ति हो जाए। तो डायरेक्टली वो एक तरह का केमिकल होता है जो डायरेक्ट किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर देता है प्लांट को। एक न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर सकता है, एक से अधिक। जैसा हम लोग फर्टिलाइजर डालेंगे उस हिसाब से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा प्लांट को। तो इसका डेफिनेशन का भी कहीं लिखने आ जाएगा, तो फर्टिलाइजर आर द केमिकल दैट एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजर इसको हम लोग बनाते कैसे, तो फर्टिलाइजर को कमर्शियली बनाया जाता है। ठीक है, कमर्शियली फैक्ट्री में बनाया जाता है, केमिकल का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको कहां पे बना दिया, फार्म में प्रोड्यूस नहीं होता, इसको फैक्ट्री में ही बनाया जाता है और इसको फार्मर्स को दिया जाता है। किस तरह का फार्मर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है उस हिसाब से इसमें फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। अब जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट कुछ, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिस तरह का भी कमी है सॉइल में, या आप किसी पार्टिकुलर प्लांट को किस चीज की न्यूट्रिएंट्स देने से उसमें ग्रोथ अच्छी होती है। अब जैसे कि पेड़ को काफी स्ट्रेट रखना है, पेड़ में स्ट्रेंथ की कमी है, तो फास्फोरस की कमी होती है, तो फास्फोरस डालने से वो पेड़ में स्ट्रेंथ आ जाता है। तो इसलिए बाहर से हम लोग फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर डालेंगे सॉइल में, तो उस कारण से पेड़ों में स्ट्रेंथ अच्छी आ जाएगी। उसी तरह से फर्टिलाइजर क्या क्या सप्लाई करता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट के, जो मैंने बताया था, वो सारे चीज आप इसमें उसके फर्टिलाइजर होते हैं। और जैसा कि जिस प्लांट में कमी उसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। अगर फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं तो काफी लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर काफी में अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, काफी फास्ट और काफी बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे, काफी बड़े फूल हो गए, सीड में ग्रोथ काफी अच्छा दिखेगा, प्लांट काफी हेल्दी दिखाई देंगे आपको फर्टिलाइजर यूज में, क्योंकि आपको डायरेक्टली केमिकल मिल जा रहा है। वो जैसे कि किसी प्लांट में फास्फोरस कमी है, फास्फोरस डायरेक्ट दे दे रहे हो उसको, काफी रिच हो जा रहा है। वहीं अगर मैन्योर के थ्रू दे, कंपेरिजन के लिए बता रहा हूं मैं, तो मैन्योर में तो वैसे ही न्यूट्रिएंट्स की काफी कमी रहती है, और सॉइल में भी अगर नहीं है तो मैन्योर आप डालते जाओ ज्यादा से ज्यादा, तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा जितना कि आपको फास्ट रिजल्ट फर्टिलाइजर के थ्रू देखें। अब कुछ समय का ड्यूरेशन होता है, प्लांट लगाते हैं जब हम लोग खेत में, तो हम लोग 2 से 3 महीना में उसका हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो फास्ट करने के लिए उसमें तो फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, जल्दी से उसमें सीड लग जाए, उसको जल्दी से हार्वेस्ट करें, उसको मार्केट में भेजें। तो ये पूरे फास्ट के चक्कर में अगर हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं तो काफी इसमें हम लोग को फास्ट ग्रोथ दिखाई देगा, सारा चीज हमें फास्ट फास्ट नजर आएगा। फर्टिलाइजर जो होता है, फर्टिलाइजर यूज करने से हायर यील्ड हमें मिलता है, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ फार्मिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर काफी महंगे आते हैं। अगर हम लोग कुछ फर्टिलाइजर का एग्जांपल का अगर हम लोग नाम लें, तो सबसे बेस्ट हो जाता है इसमें यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, ये सब फर्टिलाइजर के नाम है। तो जैसा जैसा जरूरत पड़ता है उस हिसाब से फर्टिलाइजर खेत में यूज किया जाता है। यहाँ तो फर्टिलाइजर का जो बेनिफिट अगर कहीं क्वेश्चन में पूछता है, तो ये सारे हम लोग बेनिफिट लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप बेनिफिट में लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेज समझते हैं फर्टिलाइजर के, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो फर्टिलाइजर को खेत में हमेशा, फार्म में हमेशा एक पार्टिकुलर अमाउंट में डालना पड़ता है, केयरफुली उसको डालना पड़ता है। अगर हम लोग उसको कम डालेंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, अगर हम लोग उसको एक्सेस में डाल दिए तो पेड़ को वो खराब कर देगा। ठीक है, तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को ये बिगाड़ देता है। इस कारण से फर्टिलाइजर को हमेशा एक खास निश्चित अमाउंट में डालना चाहिए, नहीं कि दे देना दिन जितना डाल दिए उतना फायदा हो जाएगा, नहीं, इसका उल्टा नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर डोज इसका डालना पड़ता है, कितना डोज इसको चाहिए उतना डालना है, और किस टाइम पे इस फर्टिलाइजर को डालना है। अगर प्लांट का सीडलिंग हुआ है, अभी जस्ट प्लांट ग्रोथ हुआ, उसी समय अगर हम फर्टिलाइजर डाल देंगे तो पेड़ को ही जला देगा। तो ये सब चीज टाइम का और उसका डोज का काफी इसमें ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा चीज हो जाता है कि फर्टिलाइजर हम फार्म में डाले, खेत में डाल दिए, कुछ तो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन कुछ बारिश के कारण पानी में घुल के वो वाश डबे हो जाता है, तो पानी के साथ जब वो निकल जाता है तो वो वाटर पोल्यूशन करता है, जाके जहां किसी दूसरे नहर में या फिर किसी नदी में जाके वो पानी मिलेगा तो वहां पे वाटर पोल्यूशन का लेवल वो काफी तेजी से बढ़ा देता है, क्योंकि केमिकल होता है और केमिकल के कारण यहाँ पे वाटर पोल्यूशन होने लगता है।
उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है फर्टिलाइजर यूज करने से, अगर हम लोग कंटिन्यूअस किसी फार्म में फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं तो वो उसको मार देता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मारने के कारण हो जाता है तो नेचुरल उसमें मैन्योर जो बनते रहते हैं, जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो उसमें बन नहीं पाता, जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर का काफी ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है, जिसके कारण सॉइल खराब हो जाती है। एक बार आप अगर फर्टिलाइजर का यूज करते हो तो बार बार आपको फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब काफी नुकसान है फर्टिलाइजर के। अब इस सब के बचने के लिए हम लोग वापस से जो शिफ्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जो हम लोग के परंपरागत जो खेती होती थी उसमें पहले, तो आज से 100-150 साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले चले जाएं, तो उस समय जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके पहले चले जाएं, तो उस समय हमारे यहाँ पे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी। वहां से बाहर से तो कोई फर्टिलाइजर यूज होते नहीं थे, मैन्योर्स का और जो लोकल जो वैरायटी होता है उसका यूज किया जाता था, लेकिन फर्टिलाइजर आ जाने के कारण डायरेक्टली केमिकल का यूज करके और ग्रोथ लिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को फीड करना है। लेकिन हम लोग इसके फर्टिलाइजर के कारण इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, एक तो सॉइल पे भी नुकसान हो रहा है, साथ साथ जो फूड उससे जो निकल के आता है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी काफी नुकसान कर रहा है। तो इसलिए वापस से हम लोग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर कहीं डिफिनेशन आ जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिफिनेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग इन विच माइल्ड और नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हर्बिसाइड पेस्टिसाइड। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसा फार्मिंग होता है, जिसमें कि किसी भी तरह का फर्टिलाइजर हो गया, हर्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये सब और ये किसी तरह का केमिकल का हम लोग यूज नहीं करेंगे, नेचुरल मैन्योर का हम लोग उपयोग करेंगे, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम आउटपुट अगर हमको लेना है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो रिसाइकिल फार्म वेस्ट मतलब कि मैन्योर को हम लोग अच्छे से वर्मी कंपोस्ट का अच्छा सा हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रॉ हो गया, लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा हो गया, ये सब चीजों का हम लोग अच्छे से अगर उपयोग करते हैं तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड के लिए, तो ब्लू ग्रीन अर्गी का हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं बायो फर्टिलाइजर के लिए। वहीं अगर हम लोग नीम के लीव्स का उपयोग किया जाता है, नीम के जो सीड होता है उसका जो ऑयल होता है उसको एज ए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, टर्मरिक को मतलब हल्दी को यूज किया जाता है जहां ग्रेन का स्टोरेज यहाँ पे करते हैं, तो वहां पे पेस्ट से बचने के लिए इन सब बायोलॉजिकल चीज मतलब कि इसमें कोई तो केमिकल नहीं है, डायरेक्टली हमें फार्म से मिल रहा है, डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिल रहा है, तो ये सब चीजों का हम उपयोग करते हैं और किसी भी तरह का इसमें केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसी को पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कहेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के उसके और भी 2-3 स्टेप होते हैं हेल्दी अगर हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग लेना है तो, उसमें हो जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाता है, इंटरक्रॉपिंग हो जाता है, क्रॉप रोटेशन होता है, ये सब टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। इन सब को मैंने डिटेल से एक नेक्स्ट वाला पार्ट में, इसके जो नेक्स्ट का नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा तो उसमें मैंने इसको डिटेल में कवर किया हुआ है। अभी के लिए हम इतना बस समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग अगर मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हमें मिक्स फार्मिंग करना पड़ेगा, इंटरक्रॉपिंग करना पड़ेगा, क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। उसके साथ अगर हम लोग ये सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं तो हमें जो बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो हमें इंसेक्ट से, पेच से, वीड से, ये सबको कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिल जाता है, तो ये सब फायदा हो जाता है पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।